फ्रेंड्स, कैसे आप सब। एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि वर्डपैड के बारे में है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने कंप्यूटर में वर्डपैड ओपन करना है तो सबसे पहले जो है आपको अपने कंप्यूटर के लेफ्ट साइड में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च बार मिल जाता है, या यहाँ पे आप ये विंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सर्च बार मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है WORD लिखना है। यहाँ पे जैसे लिखेंगे यहाँ पे वर्डपैड फर्स्ट वाले पे आपको मिल जाएगा, या फिर अपने कंप्यूटर से विंडो और R यहाँ पे टाइप करना है। विंडो R टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये रन वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आप जो है वर्डपैड लिख के इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जैसे वर्डपैड लिख के इंटर मारेंगे तो आपका वर्डपैड जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो भी है यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों का समय बचे और आप लोगों को जो है यहाँ से सिखा सकूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसे ही वर्डपैड आपका ओपन होगा तो ये जो है पूरा का पूरा आपका ब्लैंक होगा, ठीक है ना। ये मैंने टेक्स्ट रखा हुआ है आप लोगों को सिखाने के लिए, तो ब्लैंक होगा। उसके बाद से क्या है, आपका ऐसे ही डैशबोर्ड दिखेगा। तो क्या करना है यहाँ पे आपको मैं बता दूँ। सबसे पहले जब वर्डपैड ओपन होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ सेटिंग्स जो है और कुछ यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा जो कि मेनू बार है। यहाँ पे जैसे सेव का दिख रहा है और बैक का दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अंडो करने के लिए तो ये ऑप्शंस यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हैं, जो चाहे अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले जाना है और यहाँ पे आप देखिए सेंड ईमेल का करेंगे तो यहाँ पे सेंड ईमेल का ऑप्शन आ गया। फिर उसके बाद से क्विक प्रिंट का करेंगे तो यहाँ पे क्विक प्रिंट का आ गया। आपको प्रिंट पे नहीं जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू भी आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद से आप जो चाहे यहाँ पे अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो नहीं चाहिए उसको यहाँ से अनटिक कर देंगे तो वो गायब हो जाएगा यहाँ से। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने नोटपैड के लिए जो भी वीडियो बनाई थी उसमें A to Z था, वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी A to Z होगा। तो ये हो गया ऊपर की जो है मेनू की सेटिंग्स। अब बात करते हैं फाइल्स की। तो फाइल्स में आपको यहाँ पे सेम आपको मिल जाता है ओपन का, सेव का, सेवेज का, प्रिंट का, प्रिंट सेटअप का और सेंड ईमेल का, जो कि यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है। तो ये हम इसका पेज सेटअप भी सीखेंगे कि कैसे सेटअप करना है। वैसे भी इसमें जो है दो टाइप के आते हैं, हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप का। तो ये हो गया। उसके बाद से फ्रेंड्स मैं बताऊँ, यहाँ से मैंने कुछ कॉपी किया हुआ है एग्जाम्पल यहाँ से, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिखता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हो गया इसका। यहाँ से आप जो है इसकी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो चाहे अपने हिसाब से रख सकते हैं। फॉन्ट भी कैसे इंस्टॉल करना है अपने से जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी फ्री में अगर आप चाहें तो। उसके बाद से यहाँ पे साइज है, साइज को जो है आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे साइज रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइज भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद से आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन, ये बोल्ड वाला, इसको बोल्ड अनबोल्ड कर सकते हैं आप। यहाँ पे इटैलिक का आ जाता है, उसके बाद से यहाँ पे आपको अंडरलाइन का आ जाता है, ठीक है ना। और कोई वर्ड है जैसे कि आपको मान लीजिए कि ये वाला वर्ड आपका सही नहीं है, इसको हटाना चाह रहे हैं आप कि हाँ ये वाला वर्ड जो है सही नहीं है, इस पर आप लाइनिंग लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्राइक थ्रो जो है यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, जो है टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको ये मिल जाता है ऑप्शन सब्सक्रिप्ट का, और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है सब्सक्रिप्ट का। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये नीचे 2 दिखाना और यहाँ पे ऊपर में 2 दिखाना है। तो पहले से ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं CO2 जो दिख रहा है ये अच्छा नहीं दिख रहा है, हमें 2 को नीचे लेना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2 को, यहाँ से सिर्फ 2 को आप जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से ये यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो 2 जो है नीचे चला जाएगा। अब जैसे ये 12th है यहाँ पे, तो TH को मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से ये वाले सब्सक्रिप्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद से कलर्स का आ जाता है, यहाँ से आप जो है इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें जो है एक बैकग्राउंड कलर होता है और एक जो होता है यहाँ पे टेक्स्ट कलर होता है। तो ये वाला टेक्स्ट कलर है और ये वाला जो दिख रहा है ये बैकग्राउंड कलर है। आप यहाँ से इसकी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जो ये कैपिटल यहाँ पे लेटर में दिख रहा है ये टेक्स्ट कलर है, और जो यहाँ विदाउट लेटर दिख रहा है ये हाईलाइट करने के लिए ये बैकग्राउंड कलर है। आप टेक्स्ट की जो है बैकग्राउंड दे सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंस है आपको, अगर मीटिंग्स में जानी है या कहीं जानी है तो किन किन बातों पे आपको बात करना है वो यहाँ से आप जो है हाईलाइट अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो ये देखने में आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद से यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाता है टेक्स्ट का। ये टेक्स्ट छोटा करना हो तो
ये वाला यूज करेंगी आप यहाँ से, ठीक है ना, श्रिंक फॉन्ट पे। और यहाँ पे जो है अगर आपको बड़ा करना है तो ग्रो फॉन्ट को आप यूज करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे CO2 पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से इस पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है ये बढ़ रहा है, यानी जूम हो रहा है यहाँ पे, उसकी साइज जो है इंक्रीज हो रही है और यहाँ से डिक्रीज हो रही है। उसके बाद से फ्रेंड्स ये वाले ऑप्शंस पे आ जाते हैं, पैराग्राफ के ऑप्शंस पे, ठीक है ना, फॉन्ट का समझ लिया हमने। पैराग्राफ में क्या है, इसकी जो साइज है यहाँ पे हमने कर ली। उसके बाद से इसकी साइज जैसे कि आपको सेंटर में लाना है या आपको साइड में ले जाना है तो उसके लिए ये सब हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको बीच में सेंटर में लाना है तो ये सेंटर वाला यूज करेंगे। अगर लेफ्ट साइड में लेके जाना है हमें तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल आर भी कर सकते हैं या फिर इस पर क्लिक करके इधर भी ले जा सकते हैं। और सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल ई करिए या फिर ये यहाँ से आप क्लिक कीजिए। इसके लिए लेफ्ट में लेना है तो कंट्रोल एल कीजिए या फिर इसके बाद से यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो ऐसे करके आप इसके लाइन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे आ जाता है ये वाला ऑप्शन, जिसे हम यहाँ पे जब भी कुछ बनाते हैं तो उसको डॉट डॉट में यानी बबल्स में दिखाते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शंस है यहाँ पे। अगर आप जो भी ऑप्शंस लगाना चाहें अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको डॉट डॉट बुलेट्स वाला ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे कैपिटल्स में स्मॉल में दिख रहा है तो ये भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर में आपको दिख रहा है, नंबर वाला भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे रोमन नंबर दिया हुआ है तो रोमन नंबर भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला नंबर चेंज हो गया तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से इसकी टेक्स्ट को जो है आप अपने हिसाब से जो है इसके साइज को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 पॉइंट जो है 15 है तो 15 ही रहने दीजिएगा, ये अच्छा है, ठीक है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आता है पिक्चर्स। यहाँ पे अपने हिसाब से जो है आप अगर कोई यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर इंसर्ट करके यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ से मैं ले लेता हूँ पिक्चर और इसको यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो है पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है ना, और बाकी का टेक्स्ट जो था नीचे चला गया। तो यहाँ से आप अब जो है इंसर्ट भी कर सकते हैं ऐसे पिक्चर्स को और अपने हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद से पेंट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप पेंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं लेकिन यहाँ से भी आप पेंट जो है ओपन कर सकते हैं, यहाँ से पेंट ओपन करके इस पर काम कर सकते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे, इसकी भी फुल ट्यूटोरियल्स लाएंगे कि कैसे इस पर काम करना है। उसके बाद से डेट एंड टाइम का ऑप्शन आ जाता है, अपने हिसाब से फॉर्मेट आप जो चाहें इसमें लगा सकते हैं, जो भी डेट चाहिए आपको जिस हिसाब से, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2022 है और यहाँ पे सिर्फ 22 है। तो ये सारे इसके जो है अपने अपने फॉर्मेट्स हैं, जो चाहे आप यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स का, इसका भी यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ पे अगर इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स करना चाह रहे हैं, अगर कोई है आपके पास में तो वो भी कर सकते हैं। ब्राउज करके आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ से आपको फोल्डर पे जाएगा और वहाँ से आप ब्राउज करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं आप लाकर जो भी यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स लगाना है। या फिर अगर आपको यहीं से लगाना है तो फिर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे जाना है ग्राफ चार्ट और वर्कशीट चार्ट। तो जैसे कि ग्राफ चार्ट्स का मुझे लगाना है तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को जो है ग्राफ मिल जाएगा, इस टाइप का कुछ जो है ये आपको चार्ट दिखेगा। और जो भी है इसमें आप देख सकते हैं, जो अपने हिसाब से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्मार्ट, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्सीलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी लिखेंगे वो चीज आप जो लिख रहे हैं ना तो लाइव यहाँ पे चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव चेंज हो रहा है, नहीं कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जो भी किया हूँ ये सब लाइव चेंज हो रहा है। अब जैसे कि मैं यहाँ से ये डिलीट करूँगा तो ये वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से ओके करूँगा देख यहाँ से वो गायब हो गया, कॉलम वन लिख के आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3D लिखा हुआ है, कंट्रोल जेड कर दिया तो फिर से वो आ गया। तो ऐसे करके आप जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी इसके लगा सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आ जाता है फाइंड और रिप्लेस का। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था नोट पैड में कि कैसे इस पर काम करते हैं। फाइंड का मतलब होता है कोई वर्ड इसमें से आपको फाइंड करना है, तो यहाँ से आप जैसे कि हाउ मुझे फाइंड्स करना है तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, और उसके बाद से पेस्ट कर दिया इसको और फाइंड पे क्लिक कर दिया तो जहाँ जहाँ हाउ लिखा होगा वहाँ वहाँ ये आपको दिखेगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट मैच भी कर सकते हैं, मैच कैश भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वो वर्ड वो यहाँ पे फाइंड करके, अब रिप्लेस करना है जैसे कि मान के चलिए हाउ है और इसको रिप्लेस करना है किसी और चीज़ से,
तो यहाँ पे मैं वो लिख दूंगा ना, जैसे कि एन और डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ नाउ, तो रिप्लेस हो जाएगा ये वाला, देखिए यहाँ पे नाउ हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं और एक साथ में भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर रिप्लेस यहाँ से जाकर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये जहाँ जहाँ हाउ लिखा होगा वहाँ वहाँ पे ये नाउ हो जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद से सिलेक्ट आया था ऑप्शन, यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं या कंट्रोल यहाँ पे ए क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल ए भी प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद से फ्रेंड्स आ जाता है यहाँ पे प्रिंट करने का। तो प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होता है, ये फोल्डर को सेव करना है तो कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे, और यहाँ पे सेव एज करना हो तो आप सेव एज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे प्रिंट पे आप आएंगे यहाँ पे तो आपको प्रिंट क्विक प्रिंट प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू में मिल जाएगा। तो अगर प्रिंट प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं कि कैसा पेपर दिखेगा आपको, तो देख सकते हैं कि इस टाइप से आपका पेपर दिखेगा प्रिंट करने पे, ठीक है ना। तो अगर आपको इसको सेट भी करना है तो पेज सेटअप पे जाएंगे, और जाने के बाद से यहाँ से जैसे कि ये पोर्ट्रेट में है तो यहाँ से लैंडस्केप भी कर सकते हैं, तो लैंडस्केप करेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। उसके बाद से यहाँ से पेज नंबर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, तो इसको टिक कर देंगे तो पेज नंबर इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं चाहिए आपको पेज नंबर तो इसको यहाँ से हटा दीजिएगा तो ये पेज नंबर इसके साथ में नहीं आएगा। तो ये थी इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स और इसके बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आप लोगों को सीखने के लिए, तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।